अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। दोस्त गुड मॉर्निंग, फिर आज नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं वीडियो के साथ। देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास मोबाइल है सैमसंग का G 350 ये है। इसमें फॉल्ट क्या है स्पीकर का, ठीक है, यानी क्या है कि आपका रिंगटोन नहीं बज रहा, गाना नहीं बज रहा। इसको कैसे हम आज ठीक करेंगे वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका मदरबोर्ड हो गया। हम मदरबोर्ड के साथ आपका ये स्पीकर हो जाता है बगल में, जो कि इसके द्वारा आपको रिंगटोन या गाना बजता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो स्पीकर है, ये स्पीकर का टिप्स यहाँ पे हो लगता है, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों टिप्स आपका स्पीकर का होता है, जहाँ पे आपका स्पीकर ये टच होता है, ये वाला ये स्पीकर। तो करना क्या है हमको, अगर किसी भी सेट में इससे रिलेटेड स्पीकर का समस्या हो तो करना क्या है, अगर स्पीकर काम नहीं करे तो स्पीकर को सबसे पहले चेक कीजिए। तो मल्टीमीटर को सामने रखिएगा आप लोग, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट हो गया। उसके बाद स्पीकर को चेक करना है दोनों टिप्स पे टच करके, चेक कीजिएगा तो ये मल्टीमीटर से बीप साउंड आएगा, दोनों साइड से चेक कीजिएगा तो बीप साउंड आएगा, बीप देगा, सही है। बीप के साथ साथ ये 8 ओम से लेकर 12 ओम तक की वैल्यू भी देता है, ठीक है, तब इसको हम ओके कंडीशन आप मानते हैं। दोनों साइड से बीप मिल रहा है, यानी आपका स्पीकर सही है। उसके बाद आते हैं सप्लाई के ऊपर, टिप्स के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, ये जो है स्पीकर है इसके ऊपर डस्ट आ जाता है, प्रॉपर ये पिन से टच नहीं हो पाता है, जिसके कारण नहीं बचता है। तो करना क्या, सबसे पहले इसको साफ़ कर देंगे, उसके बाद इसको भी साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद फिर चेक करेंगे, अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर हम लोग आएंगे चिप लेवल, यानी ट्रैक का मिसिंग हो गया या कोई कंपोनेंट लो जो भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पीकर चेक हो गया, ओके है, ये दोनों आपका टिप्स हो गया। तो कभी कभी ये जो पिन देख रहे हैं, ये पिन उठा हुआ रहता है, कभी ये किसी ने दबा दिया या दब जाता है, जिसके कारण ये दोनों टच नहीं होता है, उसके कारण स्पीकर नहीं बजता। तो ये आपको फिजिकल चेक कर लेना है। फिजिकल चेक करने के बाद ये सब सही है, फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि इसका सही सप्लाई सही है नहीं है क्या है। तो ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर दीजिएगा। उसके बाद मल्टीमीटर का जो रेड वायर है उसको हमेशा ग्राउंड, रेड प्रोब को ग्राउंड पिन पर टच करना है। अब ब्लैक वायर से करना क्या, दोनों टिप्स पे बारी बारी से चेक करना। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट वाले पर चेक किए तो यहाँ पे मल्टीमीटर से रीडिंग आ रहा है 645 के समथिंग, 645। तो इसका मतलब अगर इस पर रीडिंग आ रहा है तो इसका ट्रैक सही माना जाएगा, इसका ट्रैक सही है। फिर हम बगल वाले पे आएंगे, इस पर भी हम लोग चेक किए तो 645 समथिंग, यानी दोनों पे रीडिंग सेम आ रहा है। दोनों पर अगर रीडिंग सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका ट्रैक सही है, कोई तकलीफ नहीं, स्पीकर 100% काम करेगा। अगर यही एक पर आ रहा है एक पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एक ट्रैक आपका सही है, एक टूटा हुआ है ओपन है, तो उसका ट्रैक हम चेक करेंगे। अगर दोनों पे नहीं आएगा तो दोनों का ब्रेक है। तो जो भी इसका कंपोनेंट होगा स्पीकर का, जहाँ पे स्पीकर टिप्स बना हुआ है इसी के पास में यहाँ पे होगा। तो हम लोग देख रहे हैं दो को डायोड है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यही इसी कंपोनेंट है, इसी को आपको चेक करना है, ठीक है। अगर ट्रैक तो हमारा ओपन नहीं है, ट्रैक दोनों का सही है, फिर भी स्पीकर नहीं काम कर रहा है, तो हो सके मेरा स्पीकर सही से प्रॉपर टच नहीं होता है, जिसके कारण काम नहीं करता होगा, तभी चेक करके भी बताएंगे। थोड़ा सा और बता दें इसमें, अगर देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पे सेम आ रहा है, अगर दोनों पे वैल्यू मेरा डिफरेंट आए, किसी पे जैसे अभी मान लीजिए तो कितना 645 समथिंग आ रहा है, अगर यही इस पे 600 आ रहा है, इस पे 1000 आए वैल्यू या अधिक आए, डिफरेंट आए, तो समझ जाइए कि इसके ट्रैक में जो कंपोनेंट लगा हुआ है पैरेलल में वो लीकेज होगा, जिसके कारण आपका वो वैल्यू आ रहा है। तो लीकेज कंडीशन में क्या होगा, आपका स्पीकर करगराएगा, आवाज़ नहीं आएगा, मतलब स्पीकर से रिलेटेड फॉल्ट आएगा। तो स्पीकर के दोनों टिप्स पर सेम आना चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉपर स्पीकर काम करेगा, दर्जन नहीं करता है। उसके बाद हो सके कभी कभी ये ग्राउंड से बीप देने लगे, एक मेरा सही है वैल्यू आ रहा है, दूसरा ग्राउंड से बीप देने लगे, तो भी क्या करना है, अगर ग्राउंड से बीप देने लगे तो इसका ट्रैक शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होने का रीज़न यह है
इसके रास्ते में जो पैरेलल में कंपोनेंट जुड़ा हुआ रहता है, ये देख रहे हैं, ये दोनों अगर शॉर्ट हो गया तो जिसके कारण ये आपको ग्राउंड से बीप देने लगता है। इसको आपको प्रॉपर चेक कर लेना है शॉर्टिंग के लिए। जो भी कंपोनेंट होगा वो आपका स्पीकर टिप्स के जस्ट बगल में ही होता है। ठीक है, आइए फिर हम चेक करके बताते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, इस सेट को ऑन करेंगे। सेट को ऑन करके करना क्या है, इसको इस तरीके से ऑन करना है आपको। बैटरी डाल देना है, बैटरी डाल के हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे बोर्ड को। बोर्ड को ऑन करेंगे, बोर्ड ऑन होगा, उसके बाद स्पीकर को चेक करेंगे हम लोग। देखिए ये आपको सेट ऑन कर दी है। सेट ऑन करने के बाद हम लोग अब इसका स्पीकर सेटिंग में जाकर या गाना ऑडियो प्लेयर कोई सा भी बजाएंगे, उसके बाद स्पीकर को देखिएगा, टच करके आप बताएंगे कुछ भी, एनीथिंग, सैमसंग का रिंग टोन है, कुछ भी बजा लीजिए। ये प्ले हो गया, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स्पीकर है। तो स्पीकर को क्या करना है, इस बोर्ड से निकाल रहे हैं, हड्डी से। ये जो बताए थे स्पीकर का टिप्स था, ये दोनों पे टच करेंगे, देख रहे हैं कि बजने लगा, थोड़ा वॉल्यूम को तेज कर देंगे। यहाँ से कर देना इस तरह से, देखिए स्पीकर बज रहा है, तो इसका मतलब आपका जो है सही हो गया। उस समय क्या था कि आपका सही से प्रॉपर टच नहीं हो रहा था, जिसके कारण नहीं बज रहा था। यानी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ स्पीकर भी आपका सही है। कनेक्टिविटी जो है सही से प्रॉपर मिल नहीं रहा था, जिसके कारण ये प्रॉपर टच नहीं हो रहा था और नहीं हो रहा था, बज नहीं रहा था। तो इसको साफ करके देखिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, दो जम्पर यहाँ मारेंगे या दो जम्पर यहाँ डायरेक्ट बाईपास कर देंगे। टच हो या नहीं उसके उससे कोई मतलब नहीं है, इसको जैसे था वैसे ही रख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दो जंपर का यूज करना है आपको। यहाँ पे एक जंपर यहाँ मारिए, एक दूसरा जंपर यहाँ मारिए, दोनों जंपर मार के दोनों यहाँ पे लगा दीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव देखना नहीं है स्पीकर में, कैसे ही भी लगा सकते हैं, कोई भी उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों यहाँ पे टच कर देना, बाईपास कर देंगे, इसके थ्रू आपका स्पीकर बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के फॉल्ट आता है। और क्या है कि हमारे यहाँ बहुत तरह का कोर्स कराई जाती है, जैसे मोबाइल से रिलेटेड हो गया आपका, LCD LED का भी, लैपटॉप डेस्कटॉप का भी, साथ साथ प्रिंटर भी का भी कोर्स कराई जाती है, जो कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है AK Info। आप भी नेट पे सर्च कर सकते हैं AK Info। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे जो था बोर्ड भी ओके था, स्पीकर भी सही था, फिर भी नहीं बज रहा था। तो सही से प्रॉपर टच नहीं हो रहा था, जिसके कारण नहीं बज रहा था। थोड़ा सा ये बोले हैं कि यहाँ पे जैसे ओपन हो जाए, या इसको थोड़ा बताने के लिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस पे वैल्यू आ रहा है मेरा, इस पे अगर बीप देने लगे तो क्या है कि इसके रास्ते में जो पैरेलल में कंपोनेंट जुड़ा हुआ रहता है ना, डायोड या NPC, तो यही दोनों कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ बीप देना शुरू कर देता है ग्राउंड से। तो करना क्या है, जब शॉर्ट हो जाए ग्राउंड से बीप देने लगे, तो एक वायर इस पे रखिए जिस पे शॉर्ट दे रहा है, दूसरे बार से कंपोनेंट को चेक कीजिएगा, तो ये कंपोनेंट दोनों साइड से बीप देगा। जो कंपोनेंट दोनों साइड से बीप देगा उसको हटा दीजिए, हटा तब देना तो ठीक तो है। जाके आपका शॉर्टिंग हट जाएगा। ठीक है, अगर एक ओपन है, एक ओपन, जैसे एक पे कंटिन्यूटी है, एक पे कंटिन्यूटी नहीं है, तो करना क्या है, जिस पे कंटिन्यूटी है उसका ट्रैक फाइंड कीजिए, उसका सप्लाई चेक कीजिए। जहाँ पे इसका है ट्रैक, उसी का उस जस्ट बगल में उसका भी होगा। ठीक है, जैसे सेक्शन बना हुआ देख रहे हैं, दो कंपोनेंट इसका है, दो कंपोनेंट इसका है, तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय।